महिला को एक युवक से सोशल मीडिया पर दोस्ती करनी महंगी पड़ गई। उस युवक ने उस महिला की कुछ पर्सनल चैटिंग और उसकी कुछ अश्लील वीडियोस बना डाली और उसके बाद उस महिला को ब्लैकमेल करने लगा। वो महिला फिलहाल शादीशुदा थी और दो बच्चों की मां थी और उस महिला ने उस युवक से तंग आकर बीते 30 दिसंबर को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल उसकी मां लगभग 6 महीने तक थानों के चक्कर काटती रही। अगर उस महिला का बेटा अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए थाने पहुंचा तो पुलिस वाले उसे धमका कर थाने से बाहर भेज देते थे और उसके बाद उसकी मां ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की ठान ली और उसकी मां राष्ट्रपति भवन और मुख्यमंत्री और डीसीपी ऑफिस पहुंची। उसके बाद डीसीपी ऑफिस में जाने के बाद डीसीपी ने उसकी मां का दुखड़ा सुनने के बाद फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन जरूर दिया है। क्या था ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर एक महिला की किसी युवक से दोस्ती हो गई। दोनों के बीच बातें होने लगी। आरोप है कि युवक ने महिला के कुछ अश्लील वीडियो बना लिए। दोनों के बीच कई पर्सनल चैटिंग भी हुई। इसके जरिए वो महिला को ब्लैकमेल करने लगा। इससे परेशान होकर दो मासूम बच्चों की मां ने 6 महीने पहले जान दे दी। परिजनों ने नदनगरी थाना पुलिस से गुहार लगाई और ब्लैकमेलिंग की बात बताई। महिला का फोन भी पुलिस को सौंपा लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और नॉर्थ ईस्ट जिले के डीसीपी से गुहार लगाई। अब जाकर नदनगरी थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। मृतक की मां ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी 33 साल की बेटी ने जुलाई 2020 को तहरीरपुर के कुष्ठ आश्रम स्थित अपने मकान में सुसाइड किया था। मृतका का एक 14 साल का बेटा है जबकि 9 साल की बेटी है। दामाद गाड़ी चलाता है। मृतका की मां का आरोप है कि कोई युवक उनकी बेटी को ब्लैकमेल करता था। इससे उनकी बेटी परेशान हो गई थी जिसके पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसकी पूरी जानकारी नदनगरी थाना पुलिस को दी गई थी लेकिन पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की। उल्टा उनके बेटे के कई घंटे तक थाने में बैठा कर रखा जाता था। इससे उनका पूरा परिवार टॉर्चर हो गया। इसलिए वे न्याय के लिए राष्ट्रपति भवन तक अपने बेटे के साथ गई और शिकायत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।